हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर संध्या। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आज माता चंद्रघंटा का दिन है। तो आज माता का वस्त्र है गोल्डन और ऑरेंज मिक्स है या ब्राउन कलर है। तो ब्राउन कलर ना मेरे पास था और ना हम पूजा पाठ में ब्राउन कलर पहनते हैं। तो आज माता का ये वस्त्र देखिए गोल्डन और ऑरेंज मिक्स पहने हैं, तो यही आज इनका आज वस्त्र है। और भोग है माता का दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, खीर, कोई भी खीर बना सकते हैं। तो मैं एज यूजल जैसे हमेशा बनाती हूँ पूरे नवरात्रि में, साबुनदाने की खीर माता को चढ़ाती हूँ। तो आज भी मैं माता जी को साबुनदाने की खीर बना कर चढ़ाऊँगी। आप कोई भी खीर बना सकते हैं जो आपको ईजी लगे, मैं यही बनाती हूँ। और आज हम लोग का डांडिया नाइट भी है, तो वहाँ भी जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो अभी तो नहा धो के मैं पंडित जी मतलब आ गए हैं और मैं पूजा कर ली हूँ अपना डेली रूटीन का। फिर उसके बाद पंडित जी पूजन कराएंगे, तो पंडित जी को पानी वानी दे दिए हैं, फिर हम जा रहे हैं साड़ी पहन के पूजन कराने। तो आगे आपसे मिलते हैं। सो डांडिया नाइट हम लोग का बहुत इन्जॉयफुल रहेगा, आप अलग वीडियो बनाएंगे उसका, अलग ब्लॉग डालेंगे। ये तो मेरा सारा 9 दिन के पूजन पे और माता के भोग और प्रसाद पे हो रहा है, और कैसे मेरे घर पूजा होता है उस पर दिखाते हैं, और डांडिया का जो होगा वो डांडिया में दिखाएंगे। तो और पंडित जी आ गए हैं, मैं जा रही हूँ पूजन कराने। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं पूजन कराने। पूजन तो हम और मेरे पति देव साथ में कराते हैं, लेकिन फिर उनके ऑफिस का टाइम हो जाता है तो पूजन करा के चले जाते हैं, तो फिर आरती मैं अकेले करती हूँ। तो आज मेरी सरप्राइज़ मुझे मिला कि अंशिका मेरे को सुबह ही, मैं तुलसी माता को जल दे रही थी, तो मेरी भतीजी अंशिका देखें आ रही है, वो मुझे बताई भी नहीं थी तो अचानक से आ गई। और ये देखिए आ गई है, तो किचन में काम भी कर रही है वो। और ये मैंने आज माता का जो भोग दूध से बताया थे कि खीर बनाएंगे साबुनदाने की, तो यहाँ पर वो खीर प्रिपेयर कर रहे हैं। भोग लगा रही हूँ, तभी इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालूँगी और इलायची पाउडर डालूंगी। ये जब बन जाएगा तो माता को भोग लगाऊंगी। तो ये माता का भोग है साबुनदाने की खीर। ये देखिए मैं माता को भोग लगा रही हूँ। रुचि आओ महारानी, मेरा भोजन करीब का खाओ, महारानी मेरे भोजन करीब का, हे माँ मेरे इस भोग का शिकार करिए। और आज मंगलवार व्रत है मेरे पति देव का, तो मंगलवार को नमक नहीं खाते हैं एक टाइम। तो ये उनके लिए सिंघाड़े के आटे का हलवा भी बना है। तो माता को दूध का पहले हलवा बना के भोग लगा दिए, फिर माँ को दूध का साबुनदाने का खीर बना के लगाए। तो ये मेरा आज का भोग प्रसाद और माता का श्रृंगार का है। और उसके बाद मेरा आज का ये माता की ज्योत का दर्शन करिए और बोलिए जय माता दी सब लोग। और आज का मेरा ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। ये मैं आरती करने जा रही हूँ। जय माता दी। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, व्यू करिए प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर। ओम जय अंबे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे।